हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग। सो गाइस, मेरा बहुत ही टाइम से मन था कि मैं मेरा पर्सनल टूल रखूं। आज हम पूरा का पूरा व्लॉग इस पूरे के पूरे किट के ऊपर बनाने वाले हैं। सो जैसे कि आप जानते हो, मेरे पास बाइक, साइकिल, कार सब कुछ है और उन सबको मेंटेन करने के लिए मुझे बहुत सारे मैकेनिक भैया की हेल्प लेनी पड़ती है। मगर बहुत सारा ऐसा टाइम आता है कि मेरा DIY करने का भी मन करता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरा पर्सनल एक टूल भी होना चाहिए। तो स्टैनली करके जो ब्रांड है, इसका ये टूल है। स्टैनली बहुत ही अच्छी ब्रांड है। आज हम इस बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे और साथ में देखेंगे कि ये जो 110 पीस है, क्या ये आपके काम का है, क्या आप इसे डेली रूटीन में काम में ले सकते हैं। तो आइए ब्लॉग को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले ये जो बॉक्स है, ये जब मैंने लिया तो मुझको मिला अमेज़ॉन के ऊपर, और आइए इसको खोलते हैं। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ से हमने इसको खोला। सो गाइज, इस बॉक्स की जो कॉस्ट है वो तो अप्रॉक्सीमेटली, आपको मैं दिखाऊं, जो MRP है वो तो है इसकी 11,295, ये देखिए। मगर ये मेरे को जो है एक बहुत ही स्पेशल कीमत में मिला। सो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले इसका बॉक्स, जिसके बारे में बात करते हैं, तो बड़ा ही मजबूत और अच्छी क्वालिटी का बॉक्स है। हालांकि मैंने एक बार खोल लिया, मुझे इतनी देर से वेट नहीं हो रहा था। सो स्टैनली का जो ये बॉक्स है, इसको आप ऐसे ऊपर, एक अच्छी इसमें ग्रिप है जिसको आप कैरी करते हो, तो आप कहीं पर भी इसको ना ले जा सकते हो, जहां पर भी आपका मन करे। सेम टाइम इसके नीचे और ऊपर आपको यहां पर ना लॉक्स मिल जाते हैं। तो देखो, जूम इन करके दिखाना, नीचे की तरफ इसमें लॉक्स है, ऐसे के ऐसे इसमें ये जो पॉइंट है, यहां पर भी इसके अंदर लॉक्स आते हैं। तो इन लॉक्स को आप, एक मिनट, थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा। सो कुछ इस प्रकार से बॉक्स खुल जाता है। इसके बाद जैसे बुक खुलती है, उस तरीके से पहले वाला पार्ट ऐसे खुलेगा और उसके बाद में दूसरा वाला पार्ट ऐसे खुलेगा। सो इस प्रकार से आप खोलो। बीच में इसके अंदर यहाँ पर हल्का सा सॉफ्ट मटेरियल यूज़ करा गया है, जिससे कि टूल आपस में भिड़े ना। तो इसको हमने पीछे रखा। अब इसमें आपको मिलता क्या क्या है, इसमें बेसिकली ना आपको जो टूल्स हैं वो उसमें दो प्रकार के मिलते हैं। ये वाले जो हैं, ये तो आ गए आपके पास नॉर्मल टूल्स। सो इसके अंदर ये वाला जो देख रहे हो आप, जैसे आप ये वाला पाना आपको दिखाते हैं, ऊपर की तरफ ओपन वाला है और इधर रिंग है, तो दोनों आपको मिल जाते हैं सेम नंबर में। तो 15, 16, 17, 18, इस हिसाब से आपको सारे के सारे यहाँ पर टूल मिल जाते हैं। उसके बाद में आपको जो सेकेंड चीज़ मिलती है वो क्या मिलती है, ये आपके पास में यहाँ आगे रैचेट। तो रैचेट आपके पास छोटा बड़ा दोनों मिल जाते हैं, और जिसमें आपके पास लॉक, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाले दोनों फंक्शन मिल जाते हैं। जिन लोगों को रैचेट के बारे में मालूम है, बहुत अच्छा है। नहीं मालूम तो मैं आपको सिंपल सा फंडा बता दूं कि आपका जो काम करने की कैपेबिलिटी है ना, उसको और ज़्यादा एनहांस कर देते हैं आपके ये सारे टूल्स। क्योंकि इनसे होता क्या, आप सिर्फ ऐसे ऐसे घुमाओगे और वो खुल भी जाएगा और बंद भी हो जाएगा। उसी के साथ में यहाँ पर जितने भी लगे हुए हैं ना, इनके लिए ना एक अच्छी चीज़ क्या है कि जैसे मैंने इसको यहाँ लगाया, तो यहाँ लॉक बने हुए हैं, जिसकी वजह से ना चीज़ें एडजस्ट हो जाती है। सेम टाइम आपके पास में यहाँ पर गोटी, देसी भाषा में जिसे कहते हैं ना गोटी, तो आपके पास में छोटी से लेकर बड़ी तक, आप ये देखो, इस गोटी की साइज़ देखो आप, और इस गोटी की साइज़ देखो, तो आपको दोनों जो है आपको अवेलेबल हो जाती है इस साइज़ से इस साइज़ तक, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। राइट हैंड साइड आपके पास में यहाँ पर सारे के सारे स्क्रू ड्राइवर वाले आ जाते हैं। सो पहला, क्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ हल्का सा ग्रिपी मटेरियल है और यहाँ पे स्टैनली की बैजिंग है। सो प्रॉपरली आप इसको कस बंद कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। जो मेरा कमाया हुआ पैसा, उस पैसे को लगाकर मैंने टूल पर्सनल खरीदा है। सो ऐसा नहीं है कि मुझे किसी भी ब्रांड ने अप्रोच करा है व्लॉग बनाने के लिए। मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये जितने टूल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे, ये वो टूल्स हैं जो कि अगर आप कभी भी काम में लेते हो तो आपकी प्रॉब्लम ना सॉर्टेड आउट हो जाती है। मतलब घर में आप कोई भी काम करना चाहो ना, तो आप कोई सा भी काम कर सकते हो, जितने भी छोटे से लेके बड़े तक। अब मेरे घर में कल परसों मुझे जो है अपने, क्या बोलते हैं, चिमनी जो होती है उसको खोलने की ज़रूरत थी, तब मुझे पता चला कि यस, आई शुड हैव अ टूल लाइक दिस। इसमें ऊपर की तरफ यहाँ एलंकी सेट है, तो आपको एलंकी सेट दिखाते हैं। इसमें ना सबसे पतली ये वाली एलंकी देखो आप, ये एलंकी बहुत पतली है, मतलब मैं वापस दिखाता हूँ ये वाली।
तो ये जो एलंकी दिख रही है ना आपको, ये देखो आप मेरी उंगली के कंपेयर में कितनी छोटी है, तो इस एलंकी से ये एलंकी भी मिलती है। साथ में इन एलंकियों को सेट करने के लिए आपके पास इस तरीके का एक ऑप्शन है, जैसे होता है ना प्रॉपरली, जिससे बाहर ना भागे। और उसके बाद ये जो पॉइंट है इसको भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, ये अच्छी चीज़ है। उसके बाद में यहाँ पर ना ये बड़ा ही सॉफ्ट टच मटेरियल है, जैसे सॉफ्ट इन द सेंस फ्लेक्सिबल टाइप में। और इसमें आपके पास में ये जो जितने भी स्क्रू होते हैं वो सारे के सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। ये वाले स्क्रू, ये वाले स्क्रू, इधर की तरफ जब आप देखते हो इसके अंदर, तो आपके पास सारे जितने भी ऑप्शंस आ सकते हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाते हैं इस तरीके के, इस तरीके के प्लस माइनस, उसके बाद में स्टार, और उसके नीचे की तरफ जो भी इसको बोलते हैं, जो भी मैकेनिकल मेरे भाई हैं वो लोग मुझे ज़्यादा अच्छी तरह समझा सकते हैं। एक और चीज़ मुझे अच्छी क्या लगी कि ये जो स्क्रू ड्राइवर्स के साथ में एक ये वाला जो आया हुआ है, इससे क्या है कि आप स्क्रू ड्राइवर का ही काम कर सकते हो, मगर इसके आगे की तरफ आप ये जो अटैचमेंट्स हैं ये अलग अलग लगा सकते हो। सेम टाइम ना इसमें यहाँ पर आपके पास में ना सेटिंग्स का ऑप्शन है, देख रहे हो। तो इस तरीके से आप क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है, अब जैसे ये स्क्रू ड्राइवर बन गया, होता है ना बिल्कुल टाइट, अभी खुलेगा नहीं, मगर इसको आपने ऐसे घुमा दिया तो अब ये इस तरीके से काम कर रहा है। अगर इसी तरीके से मैंने इसको ऐसे कर दिया ऐसे, तो अब ये इस तरफ घूमने लग गया। तो गाइज ये जो टूल्स हैं ना, इनको देख के मैं सही में था कि हाँ स्टैनले के जो टूल्स हैं दे आर सुपर अमेजिंग। उसी प्रकार से इस तरफ जब आप देखते हो, तो अभी क्या था कुछ टाइम पहले जो मैं डेजर्ट स्टॉर्म वाली रेस में गया था, वहाँ ना मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई थी जंगल में, और वहाँ मुझे किसी और के टूल्स लेने पड़े। तो आई थॉट कि मेरे पास ना मेरे पर्सनल ऐसे टूल्स होंगे तो मैं कहीं अटकूंगा नहीं। तो इसमें आपके पास चौंच वाला ये प्लास, उसके अलावा ये दोनों जो कटर हैं ये आपके पास मिल जाते हैं, बहुत सारे अडाप्टर हैं, जैसे ये जो है इनसे आप एक्सटेंड कर सकते हो, ये भी है, ये एक्सटेंडर है, आप ये देखो ये डुअल पर्पस है कि ये एक्सटेंड भी कर देगा, उसी के साथ के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये आपका इस तरीके से भी काम करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। इसी के अलावा यहाँ पर ना ये जो आपके पास टूल है ये क्या काम करता है कि ये ना फ्लेक्सिबल है, देख रहा, तो अगर कहीं पर आपको हल्का सा टेढ़ी भी जगह फिट करना है तो भी ये फ्लेक्सिबल टूल होने की वजह से आपकी हेल्प कर देगा। ये जो है ये भी फ्लेक्सिबिलिटी वाले ही है कि अगर आपको हल्का सा टर्न जहाँ पर है वहाँ ना हल्का सा टर्न होकर भी लग जाएगा। तो इसके अंदर ना आपके पास दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, छोटा और बड़ा। तो आप देखो इसके अंदर आपके पास ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, तो दोनों रैचेट्स के हिसाब से ये सारे के सारे आपके पास में एक्सटेंडर मिलते हैं। ये जो टूल है इसकी आपको क्या प्राइस लगती है आप मुझे गेस करके बताना, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये जो टूल था ये मुझको जो दिवाली सीजन है इसके ऑफर के अंदर मिल रहा था जब मैंने लिया, तो अप्रॉक्सीमेटली 7500। उसके ऊपर भी मैंने ICICI का जो कोड होता है बैंक वाला वहाँ से पेमेंट करा था, तो मुझे 500-600 का फ़ायदा हुआ, तो कुल मिलाकर 6600 रुपये का ये मेरे पास टूल पड़ा। और सच बता रहा हूँ मुझे ये टूल इतना अच्छा लगा कि अब मेरी जितनी भी काम है DIY वाले फ्यूचर में जो आप देखोगे उसके हिसाब से टूल मेरा एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। कुछ इस प्रकार से इसका बॉक्स दिखता है और इसके अंदर 110 पीसेज हैं कुल मिलाकर। सो कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ दिख रहा होता है, क्विक रिलीजर है जो रैचेट है आपका, और स्टैनली का जो बना हुआ टूल है ये मुझे तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार से इसका बॉक्स है कि आप अगर ट्रांसपोर्ट में काम में ले रहे हो तो ले सकते हो। सेम टाइम इस पर लिखा हुआ भी है कि आप इस जो ड्रिल आती है उसमें इन टूल्स को काम में ना लें। नीचे की तरफ यहाँ पर ना इनके डायग्राम में लिखा हुआ है जिसमें ये बता रहे हैं कि आपके पास में ये जो टूल है इसमें क्या साइज़ के सॉकेट हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस मेजरमेंट के सॉकेट हैं, उसके बाद में ये वाले मेजरमेंट के सॉकेट हैं, और उसके बाद में इस मेजरमेंट के सॉकेट हैं। तो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही आपके सामने बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स हम लेकर आते रहेंगे और आप लोगों को नई नई इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।